रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2.5 वर्षीय बालिका ट्विंकल के साथ घटी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के विरोध में बड़वानी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्टोरेट में नायब तहसीलदार को अपराधियों को फांसी देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। बड़वानी जिला मुख्यालय पर स्थानीय महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भारत में महिलाओं और बच्चियों को उन देवियों का स्वरूप माना जाता है जिन्हें हम पूजते हैं। देश में महिला सुरक्षा के कई कानून बने हैं, उसके बाद भी महिलाएं और बच्चों के साथ आए दिन बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही है, क्योंकि अपराधियों को मृत्युदंड नहीं मिल रहा है, जिस कारण उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। ऐसी ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई है, जहां मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई है। मासूम बच्ची जो अभी खुद अपने पैरों से बराबर चलना भी नहीं सीख पाई थी, अपने इस देश के लिए एक ये शर्मसार घटना है कि इतनी मासूम बच्ची को इन हैवानों ने छोड़ा नहीं है और बख्शा नहीं है। तो ऐसे हैवानों को तो फांसी की सजा भी कम है। जो सऊदी अरब में कानून चलता लागू होता है कि चौराहे पर इन लोगों को लाकर डायरेक्ट फांसी की सजा दी जाती है, तो हम लोगों की ये सोच है कि इन लोगों को फांसी की भी सजा नहीं, इनके तो अंगों को ऐसे काटना चाहिए कि इनको देखकर दूसरे सबक ले और आगे कोई भी ऐसी घटना ना हो। कहाँ की घटना है पता? ये अलीगढ़ की घटना है, 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा किया गया, जिसको सोचकर हमको तो ये बात पता चली है तो हमारी ऐसी हालत हो रही है, तो वो बच्ची की कंडीशन क्या हुई होगी? आज आप ये लोग क्यों नहीं समझते, हर आए दिन 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई लड़की बच्ची ये सब घटना, कब तक हम लोग सहन करेंगे, कब तक ऐसा होगा? कठोर कानून की मांग कर रहे हैं। हमारी सबकी ये इच्छा है कि इस देश में भी ऐसा कानून बनना चाहिए, ऑन द स्पॉट खत्म। ऐसे हम लोगों की सोच है, अगर हमारा हाथ में होता और हमारे बस में होता तो हम सब, नारी शक्ति में ही इतनी ताकत है कि हम लोग उनको ऑन द स्पॉट गोली मार के खत्म कर देते। हृदय को झकझोर देने वाली इस घटना से पूरा देश शोक में है। इस घटना को लेकर सभी के मन में आक्रोश है कि यदि अपराधियों को मृत्युदंड नहीं दिया गया तो इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाना संभव नहीं होगा, और हम यह मांग करते हैं अलीगढ़ में हुई इस घटना के अपराधियों को जल्दी से जल्दी मृत्युदंड दिया जाए। आज अभी जैसा अभी कुछ दिनों पहले रमजान का महीना, पवित्र महीना चल रहा था और पूरा देश ईद की खुशियाँ मना रहा है, उस दौरान अलीगढ़ में एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली एक घटना हुई। एक 2.5 साल की छोटी सी बालिका जिसका नाम ट्विंकल है, उसके साथ जो उसके ही पड़ोस के दो व्यक्ति थे, उन्होंने जघन्य अपराध किया। उसके जो बोलने में भी इतना कष्ट हो रहा है, ऐसी जघन्य कृत्य उसके साथ उसने किया, जिसमें आज ही मुझे जानकारी भी मिली कि एक जो आरोपी था वो स्वयं की बेटी के बलात्कार के आरोप में पहले से ही इस पे धाराएं दर्ज हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में, हमारे बीच में रहकर, और आज छोटी बालिकाएं भी आज इस देश में सुरक्षित नहीं बची हैं, तो ऐसी परिस्थितियों को देखकर आज पूरे हम सभी लोग यहां उपस्थित हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि जो ये अपराधी हैं उनको, उनके लिए विशेष रूप से, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह जी ने जो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार पर फांसी की सजा हुई थी, वो फांसी की सजा हो, तुरंत मृत्युदंड इनको दिया जाए और समाज में एक मिसाल पेश हो कि